सात वर्ग तक की बात हमने सुनी थी। सातवें और आठवें वर्ग में राजा श्रेणी की रानियों का ही वर्णन आता है। बच्चे हैं, जवान है, बूढ़े हैं, प्रौढ़ है, नारिया है, सभी का वर्णन अंतगण दशांक सूत्र में आया हुआ है। तो हम ऐसा नहीं सोचे कि धर्म आराधना महिला ही कर सकती है, पुरुष वर्ग नहीं कर सकता, बच्चे नहीं कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। परमात्मा ने संदेश दे दिया, संकेत कर दिया, हर कोई धर्म आराधना कर सकता है, संयम की साधना कर सकता है, तप की उपासना कर सकता है, सिर्फ मन में इच्छा जागृत होनी चाहिए, भाव जागृत होने चाहिए। अब इस आठवें वर्ग में वर्णन आता है, श्रेणिक राजा की रानी चेलना के तीन पुत्र थे, एक था कोणिक, एक था हल्ल और एक था विहल्ल। ऐसे तीन पुत्र थे। राजा कोणिक ने राज्य लिप्सा के कारण कि मैं ही इस संपत्ति का उत्तराधिकारी हूँ, मैं ही इस राज सिंहासन का वारसदार हूँ, ऐसे भाव मन में लाकर अपने पिता राजा श्रेणिक को कारावास में बंदी कर दिया था और रोज अपने पिता पर कोड़ियों की, जिसे जहां बैठना वहां बैठ जाएंगे। और पहला कनुस थोड़ा सा आगे सरकने बैठ जाओ तो लारू के उन्होंने पढ़ना। रोज पिता को कोड़ियों की मार मारता था बंधुओं। एक परिग्रह, एक संपत्ति क्या नहीं करवाती है बंधुओं। पिता पुत्र हो, माँ बेटे हो, भाई भाई हो, सबको लड़ा देती है और अदालत की सीढ़ियां भी चढ़ने के लिए मजबूर कर देती है। ऐसी ये संपत्ति है और इस संपत्ति का हमें मोह होता है। मैंने कमाया है, मेरी तिजोरी भरी हुई है, मेरी मेहनत, मेरा परिश्रम है। और आप जानते हो, सुनते हो, रोज सुन रहे कि संपत्ति साथ में आने ही वाली है, नहीं आने। वो इतने महंगे महंगे गहने हैं, सोना है, चांदी है, सब कुछ लॉकर में बंद करके रखा है। तब उस सोने को संबोधित करते हुए एक श्रावक ने क्या कहा था, सोना तू तो बड़ो कुपातर, तूने मुझे दुश्वार किया। सोना तू तो बड़ो कुपातर, तूने मुझे दुश्वार किया, तू तो रहा रंग महल में, मुझको चौकीदार किया। खर की खोट, लॉकर में रखते हो, घर में रखते हो, बैंक में रखते हो, पर चौकीदारी संपत्ति की करते हो कि स्वयं की करते हो, हाँ, कि कोई चुरा कर लेकर न जाए। रोज उन चाबियों को देखते हो कि चाबी बैंक के लॉकर की कहो, अलमारी की कहो, तिजोरी की कहो, चाबी व्यवस्थित है या नहीं। जहां मैंने रखी थी वहां से थोड़ी भी, ये सारी चिंता होती है। पर जो लेकर नहीं जाना उसकी चिंता क्यों करते हो। और उसी का संदेश लेकर अंतगण दशांक सूत्र हमारे सामने आया है। राज्य लिप्सा के कारण इस पुत्र ने, कोणिक ने, अपने पिता को जेल में बंदी बनाया। क्या काम का वो धन जो पिता पुत्र के बीच एक दीवार निर्माण कर दे, पिता को पुत्र को क्रूर बना दे, पुत्र के शरीर में और मन में हैवान बन जाए, राक्षस बन जाए, उसे संपत्ति के लिए, धन के लिए जो छोड़कर जाना है। जैसे कोई गुजर जाता है ना, तब कहते हैं कि निधन हो गया। क्या कहते हैं, हाँ, यानी धन से निवृत्त हो गया, समझ गए। फिर भी धन चाहिए, फिर भी चाहिए। तू तो रहा रंग महल में, और उस सोने को, उस पैसे को, जो भी आपके पास होगा, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, उसको तिजोरी में रखते हो और रोज देखते भी हो। वो अंदर आराम से बैठा है और हम वॉचमैन बने हुए हैं। यहाँ के वॉचमैन बनना तो गया कहां पर, और जो जिसके नहीं बनना चाहिए उसके ही वॉचमैन बन गए। फिर यहाँ पर न जाने कितना कितना कुछ आता ही रहता है। बंधुओं, ये राज्य लिप्सा कोणिक को किस श्रेणी तक लेकर गई, कहाँ तक नीचे उतार गई कि एक पिता को बेटा कोड़ी के ऐसा मार लगाए रोज, कितना गलत काम है। और
रोज की यह मार चलती रही, पर चेलना ने जब सारी बात सुनाई ना कि तेरे पुत्र के जन्म के समय क्या हुआ था, उस बात को सुनकर राजा कोणिक को पश्चाताप होता है। वह पिता के पास जाने के लिए निकल पड़ता है, पर राजा श्रेणिक समझता है रोज तो इतनी मार लगाता है, पता नहीं अब और क्या करेगा। और ऐसा सोचकर वे तो उस अंगूठी में रहे हुए हीरे को ग्रहण कर लेते हैं और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। चेलना के और दो पुत्र थे, हल्ल और विहल्ल। राजा श्रेणिक ने अपनी संपत्ति का बंटवारा बराबर कर दिया था, इसीलिए कहते हैं कि संपत्ति के वारसदार तो बहुत बन जाएंगे पर धर्म के वारसदार, बोलो, जिस संपत्ति को पिता ने कमाया, पिता ने संभाला है ना, उसके वारसदार बनेंगे, उसके लिए झगड़े होंगे, पर जिस आसन पर बैठकर पिता सामाई करते थे, उस आसन, उस मुपत्ति, उस पुंजनी के वारसदार कौन बंधु? कोई नहीं। पिता की वसीयत अच्छी लगती है, पिता की नसीहत कभी अच्छी नहीं लगती। मेरे नाम से वील पत्र में क्या क्या लिखा है ना, वो पढ़ने के लिए, वो देखने के लिए मन तत्पर बनता है, पर पिता ने क्या नसीहत दी थी, क्या संदेश दिए थे, वो भूल जाते हैं। और अगर बंटवारे में थोड़ा कम ज्यादा हो ना, तो उस बात की चर्चा कहां कहां पहुंच जाती है, और फिर उस पिता के लिए, उस उपकारी के लिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग होता है। हल्ल और विहल्ल, ये दोनों के साथ संपत्ति का बंटवारा हुआ था। दिव्य कुंडल थे, दिव्य हार था, सेचनक हाथी था, ये सारी संपत्ति उस हल्ल विहल्ल कुमार के पास थी। बंधु, कोणिक की रानी पद्मावती विचार करती है कि मेरे पति कोणिक राजा है और इस संपत्ति के मालिक तो वो बनने चाहिए, ये हल्ल और विहल्ल कैसे बन सकते हैं। और वो अपने पति के पास, राजा कोणिक के पास जिद्द करती है, कुछ भी हो जाए, पर वह दिव्य कुंडल, दिव्य हार और सेचनक हाथी तो हमें ही मिलना चाहिए, मैं उसे पहनना चाहती हूँ, उसी हाथी पर बैठकर मैं सवारी करना चाहती हूँ। कोणिक बहुत समझाता है, पर स्त्री हट के आगे क्या करते, स्त्री हट के आगे झुकना ही पड़ता है, जिद्द तो माननी ही पड़ती है। बंधु, अगर स्त्री अपनी जिद्द छोड़ दे और पुरुष अपना अहंकार छोड़ दे ना बंधुओं, तो संसार में आनंद ही आनंद हो सकता है, हर घरे परिवार में आनंद हो सकता है। जब पद्मावती मानी नहीं तो एक संपत्ति के लिए, क्षणिक संपत्ति के लिए, नश्वर संपत्ति के लिए राजा कोणिक अपने दोनों भाई हल्ल विहल्ल के साथ युद्ध करता है। देखो, राज्य लिप्सा, धन की लिप्सा कहां से कहां तक लेकर गई, भाइयों के बीच युद्ध शुरू हुआ और राजा कोणिक श्रेणिक की जो रानियां थी, काली, महाकाली, सुकाली, जिनका वर्णन अब हम सुनने वाले हैं, उनके जो पुत्र थे ना, वो भी युद्ध में पहुंचे हुए थे और वे पुत्र भी युद्ध में वीर गति को प्राप्त कर लेते हैं। पुत्र लौटते नहीं तब काली, महाकाली, सुकाली, कृष्णा, महाकृष्णा, इन सबके मन में विचार आता है, हमारे पुत्र युद्ध के लिए पहुंचे हुए थे, वे वापिस लौटे क्यों नहीं। संयोग की बात की, ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए परमात्मा प्रभु महावीर का आगमन उस राजगृह नगरी में हो जाता है और आगमन होने के पश्चात दर्शन करने के लिए सभी पहुंचते हैं। जैसे देव की महारानी के मन में एक शंका थी, जिज्ञासा थी कि ये सारे पुत्र किसके हैं, उस शंका को लेकर तीर्थंकर परमात्मा के पास पहुंची थी, वैसे ही काली, महाकाली, सारी रानियां प्रभु महावीर के चरणों में पहुंचती है समाधान करने के लिए कि हमारे जो पुत्र है, जो युद्ध में पहुंचे हुए हैं, तो वो आए नहीं अभी तक, प्रभु क्या बात है। तब परमात्मा ने फरमा दिया कि वो तो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। बस इतनी ही बात सुनी है उस काली, महाकाली आदि रानियों ने ये बात सुनी है और मन ही मन चिंतन करती है, जम्बू स्वामी जिनकी जिज्ञासा है कि आठवें वर्ग में प्रभु ने क्या फरमाया है, तब सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं कि हे आर्य जम्बू, आठवें वर्ग में काली, सुकाली, महाकाली, कृष्णा,
सुकृष्णा, महाकृष्णा, वीर कृष्णा, राम कृष्णा, पितृसेन कृष्णा, महासेन कृष्णा, इन 10 रानियों के नाम से 10 अध्ययन आते हैं। अब जम्बू स्वामी पूछते हैं, प्रभो 8वें वर्ग के पहले अध्ययन में जो काली नाम आपने लिया, तो उस काली रानी का इतिहास, उस काली रानी की जीवन गाथा मैं आपके मुखारविंद से श्रवण करना चाहता हूं, क्योंकि अंतगण दशांग सूत्र श्रवण से श्रवण बनने की यात्रा है। श्रवण करते रहो और श्रवण बनने के लिए तैयार हो जाओ, इसी यात्रा का नाम अंतगण दशांग सूत्र है बंधु। यहां पर एक भी आत्मा ऐसी नहीं कि जिसने सुना और श्रवण बनने की इच्छा जागृत नहीं हुई। ये ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए सुना आपने कि प्रभु का आगमन हो चुका है, काली रानी वहां पर पहुंची हुई है, और उसने जब सुन लिया प्रभु के मुखारविंद से कि हमारे पुत्र वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, चिंतन चला संसार का। जब कोई व्यक्ति, अपना प्यारा व्यक्ति, अपने परिवार का व्यक्ति गुजर जाता है ना, तब तक हमारे मन में बहुत दुख पीड़ा होती है, पर कहां तक होती है वो पीड़ा? कुछ दिन के लिए रहेगी, उसके बाद एज ए रूटीन सारा काम चालू होता है। और एक बात होती है कि घर में अगर कोई गुजर जाता है ना, तो कहां पर आना बंद होता है? कहां आना? दुकान खोलते हो? खोलते हो, बराबर। चाय पीते हो? हाँ, चाय बिना शक्कर की पीते हो। तो आपका प्यारा आदमी, घर का आदमी चला गया, तो मीठा तो नहीं खाना चाहिए ना, उतना तो त्याग करना चाहिए। वो रूटीन कोई बंद नहीं होता है, सुबह उठना है, दैनिक काम करना है, चाय नाश्ता करना है, भोजन करना, दोपहर की चाय, शाम का भोजन, सब कुछ चलता है। ऑफिस जाना है, किस काम से कहां पर मीटिंग होगी वहां पहुंचना है, किचन का काम भी बंद नहीं होता। कहां जाना बंद होता है? धर्म स्थानक में आना बंद होता है। मेरा आपसे सवाल है, संसार के काम करने के लिए खुले हो और धर्म के काम के लिए बंदी, ऐसा क्यों? ये क्या रिवाज है आपका? और कल आपने सुना ना, आज की दुनिया का सबसे बड़ा रोग, मैं स्थानक में आई 12 दिन रपेला तर लोक। तो लोगों के कहने से जीते हो? आपका रिमोट लोगों के हाथ में है कि लोग कहे उसके अनुसार चलना, लोग केवे तर स्थानक में आओ, नहीं तो स्थानक में। हाँ, आपका रिमोट किसके हाथ में? आपका कंट्रोल किसके हाथ में? स्थानक में आए ना तो भी नाम रखेंगे, और नहीं आए ना तो भी, क्योंकि ये समाज है बंधुओं, ध्यान रखना, ये पगे भी चालून देवे नहीं अनि घोड़ा पर भी। तो क्या करना चाहिए? अरे जहां पर आराधना होती है, जहां पर मन संवर में लगता है, संसार में तो आश्रम में मन लगा रहेगा, कर्म बंधन होता रहेगा, पर यहां आओगे तो धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान होगा, घर में अर्थ ध्यान होगा, तो धर्म स्थानक में आने में क्या हर्जा है? ये काले आदि रानियां जिनके पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए, पर वे भी परमात्मा के दर्शन के लिए पहुंची, उन्होंने नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे करके। लोगों के सर्टिफिकेट पर जीवोगे ना तो सुख की सांस नहीं ले सकोगे। अच्छे कपड़े पहने तो भी नाव रखीला, सादे कपड़े पहने घर में इतो भरे लो तो देखो व्याख्यान में किसा कपड़ा पहनने आई। लोग तो ऐसा ही बोलेंगे, कहां तक लोगों की सुनोगे बंधुओं? सुनना है ना तो परमात्मा के वचन सुनो। ये वचन सुनोगे ना तो जीवन सुंदर बनेगा, खुशहाल बनेगा, आबाद बनेगा। संसारी लोगों की बातें क्या सुनना, उन बातों को यहां से सुनकर यहां निकाल देना बंधुओं। और ध्यान रखना, अगर कोई अघटित घटना, दुखद घटना भी हो जाए ना, तो धर्म स्थानक में आना बंद मत करो, कुछ नहीं होता है। धर्म ध्यान की जगह पर आने के लिए क्यों रोक टोक, 12 दिन नहीं जाऊं ना, 8 दिन नहीं जाऊं ना, क्या मतलब है उसका? 12 दिन खाओ पियो नहीं, दुकान बंद रखो ना, तो फिर मैं मानती कि आप धर्म स्थानक में मत आओ। 12 दिन काम तो सारे चलते हैं, चलते कि नहीं चलते? बाहर दोस्तों के साथ मिलते हैं, वहां पर हंसी मजाक भी हो जाती है, सारा रूटीन वही के वही रहता है, एक ही रूटीन चेंज होता है धर्म स्थानक।
तो धर्म स्थानक में आना अच्छा है या गलत है? चोखा बोलो थोड़ा सा। थाने वास है तो माने पण वास सच्चाच, ध्यान रखो। तो धर्म स्थानक में आना गलत नहीं है बंधुओं। ये काली आदि रानियों ने परमात्मा के मुखारविंद से सुना, प्रभु की धर्मदेशना सुनी और धर्मदेशना सुनकर मन में विचार करती है। डगमगाने वालों को, लड़खड़ाने वालों को धीर बंधा देते हैं आपके वचन। लड़खड़ाने वालों को, डगमगाने वालों को धीर बंधा देते हैं। फिर थोड़ा आज मने गाऊ लागो, बराबर है ना? कोई ना हमारा हो, कोई ना सहारा हो, आके थाम लेते हैं आपके वचन। कोई ना हमारा हो, कोई ना सहारा हो, आके थाम लेते हैं आपके वचन। हर घड़ी नींद से जगाते हैं, जिंदगी बदल जाती है, हमें सही रास्ता दिखाते हैं। जिंदगी मीठे मीठे प्रभु के वचन होते हैं। किसकी जिंदगी बदलती? इनकी तो बदली थी, आपकी क्यों नहीं बोल रहे कि हमारी बदलती है करके? किसकी जिंदगी बदलती है बंधुओं? प्रभु के वचनों से, प्रभु की धर्म देशना से, इस आप्त पुरुषों की आप्त वाणी से, सर्वज्ञ की सर्वदर्शी वाणी से, सर्व का कल्याण करने वाले ये वचन हमारे जिंदगी को बदल देते हैं, दशा से दिशा की ओर ले जाते हैं, एक नया मोड़, एक नया टर्न दे देते हैं बंधुओं। काली रानी प्रभु के पास पहुंची और कहती है परमात्मा कि मैं दीक्षा ग्रहण करना चाहती हूं। प्रभु ने आहा सुहम देवाणु पिया, और जैसे ही प्रभु की आज्ञा मिली और दीक्षा ग्रहण करने के लिए काली रानी तत्पर बन चुकी, और काली रानी ने दीक्षा ग्रहण कर ली है, वेश परिवर्तन कर लिया, परमात्मा ने करिणी वंते का मंत्र भी सुना दिया है। और मंत्र सुनाने के बाद ये आर्या चंदन वाला की शिष्या बन चुकी है। और जैसा कि आप सुनते आ रहे हैं, चंदन वाला की शिष्या बनने के बाद गुरुनी जी के पास पहुंची है, विधियुक्त वंदना नमस्कार किया है और विनंती करती है कि हे गुरुवरिया, आपकी अगर आज्ञा मिले ना तो मैं रत्नावली तप प्रारंभ करना चाहती हूं। उसके पूर्व छोटी बड़ी अनेकों तपश्चर्याएं भी संपन्न कर लेती है और रत्नावली तप को प्रारंभ करने की आज्ञा लेती है। गुरुनी जी तो एक ही बात कहते हैं और परमात्मा भी एक ही बात कहते हैं। कौन सी बात? अब थे माने केवल अबाग जी वास पचकू की अन मेजर के दियो, जिसो सुख लागे उसो करो। थे के करो ला, करो ला वास, करो ला ना। हाँ क्यों सगड़ा, रत्नावली तप करने की आज्ञा तो मिल गई। अब ये तप कितना कठिन, पढ़ते पढ़ते मेरा सर चकराने लगा था बंधु। हमारे जैसा ही उनका शरीर, परंतु क्या मनोबल होगा, क्या संकल्प शक्ति होगी, क्या दृढ़ इच्छा शक्ति होगी बंधुओं, कि राजमहल से निकलकर दीक्षा ली और दीक्षा लेकर तुरंत तप की आराधना में लगे हैं। ये रत्नावली तप जिसमें उपवास किया, पारणा करके बेला, फिर तेला किया, फिर आठ बेले किए, रत्नावली हार है बंधुओं। इस हार में जैसे पहले तीन मोती आते, फिर एक गुच्छा आता है, फिर मोती आते, फिर बीच में पेंडल आता है, फिर मणि आते हैं, इस प्रकार का तप इस काली महासती ने किया। फिर आठ बेले किए, पारणा करके उपवास किया, फिर बेला किया, तेला किया, चोला किया, पांच किए, छह किए, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और सोलह किए। सोलह का पारणा किया, फिर चौतीस बेले किए,
और 34 बेले करने के पश्चात पुनः 15, 14, 13 करते करते उपवास तक आकर पहुंचती है। फिर पालना करके 8 बेले किए, फिर पालना करके उपवास किया, इस प्रकार रत्नावली तक की एक परिपाटी पूर्ण की। एक परिपाटी पूर्ण करने में पूरा 1 वर्ष 3 महीने और 22 दिन लगते हैं। इसकी 4 परिपाटी 4 लाइनें होती है, 4 पदरी हार 3 पदरी हार रहे ना, ऐसे 4 पदरी हार ही है बंधु। एक परिपाटी करने में 384 दिन उपवास के और 88 दिन पारने के, यानी सब मिलाकर 472 दिन होते हैं। एक परिपाटी पूर्ण हुई, अब दूसरी परिपाटी प्रारंभ करने के पूर्व भी आज्ञा लेती है, बिना आज्ञा कुछ काम नहीं करती है। और आज्ञा मिलते ही दूसरी परिपाटी शुरू की, उसमें भी पहले उपवास किया, उपवास के पारने में सभी विगयों का त्याग कर दिया। किसका त्याग किया? अने आज समस्त शरीर उपवास है, कल यहां पर काले कई अठे, कल यहां पर पारना है, वो लुंकड़ परिवार की ओर से व्यवस्था है। मान लो लुंकड़ परिवार ने दूध तो दे दिया और घी नहीं दिया, मन में कई आईला, खर खर बोलो एकदम, सुंठच नहीं करी, रविच नहीं करी, तो मन में कई आईला। और पहले दिन संवत्सरी का प्रतिक्रमण करके क्या किया है हमने, खमत खावना की, और दूसरे दिन वापिस वह दुकानदारी वह वही खाता चालू हो जाता है। हा ना भाई, पाली तली पन कई चोखो नहीं पालनो करियो। और वह चर्चा, हाँ वह चर्चा अकेले में नहीं होती, मैं इनको, वो उनको, वो उनको, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी बहुत जल्दी हो जाती है। कही को तू पारणन गई थी ना, कही नहीं गा, और अपेक्षा घरे कर चोखो ही होता है कि नहीं होता है? मन में तो आता है बंधुओं, ध्यान रखना, थोड़ा सा भी क्यों ना हो किंतु परंतु मन में आ जाता है। यहां तो विगयों का त्याग, भाई लोग थोड़ा आगे सरको, एक थोड़ी सतरंजी बिछाए दे, नीलेश एक सतरंजी बिछा, आगे एक सतरंज से जो पर उठे बिछाए लो नहीं ना कही, आठे 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 आगे सामयिक वाला रहते है ना। और ये इतनी जो जगह रखी है ना, आज सभी नवरंगी वाले 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 सभी यहाँ से आने वाले, एक साथ में आने वाले, वो समवसरण का नजारा देखने जैसा होगा बंधु। साताई की बेटा वासरी, भूख नहीं लगी ना, बैठा दे आटे चुने पर, थे सामायिक वाला थोड़ा सा ये रूम दो नाटिस, ये ना कौन था ना के सर को ना मैं लगी लगी तो हाँ चुको उसकी बहन था मुझे नोटिस चुने, हाँ उन्हें आटे उन्हें उठने के आठ ले पच्ची ले ले उन्हें के जाए पच्ची कर ले वाला कार्यक्रम सरकाई देवाला थोड़ा सतरंजी भी सही, थोड़ा आगे सरक जाओ अभी भाई लोग, आज के दिन आकाश में विकास कर लो। अच्छा ठीक है, नहीं वो संचालन आज एक दूसरे को जगह का दान कर दो। दान करोगे ना तो भी धर्म दलाली होगी, ध्यान रखना। सर को भाई आगे, सर को छोटा डाब रहा है, सर को आगे, चलो अपन कटे पुग्या होता, विगयों का त्याग बराबर है ना। तो विगयों का त्याग किया है बंधुओं, और विगयों का त्याग है, क्या खाया होगा पारने में, दूध नहीं, दही नहीं, घी नहीं, तेल नहीं, शक्कर नहीं, क्या खाया होगा उसने पारने में बंधुओं, बड़ा विचार आता है। और इस प्रकार विगयों का त्याग किया, इस प्रकार उपवास करके पारणा किया, तेला किया, जैसे पहले लाइन चली थी वैसी ही लाइन चली है।
प्रथम परिपाटी की तरह दूसरी परिपाटी भी पूर्ण की, इसमें विगय नहीं खाई। तीसरी परिपाटी शुरू की, उसमें पारने के दिन आयम्बिल की लूखी रोटी और धोवन, ठंडा किया हुआ पानी या गर्म किया, गर्म पानी जो ठंडा किया है, उस रोटी को पानी में भिगोकर पारने के दिन खाया है। विचार करो थोड़ा सा, कटोरदान में रोटियां रखो ना, गरम गरम रोटियां रखो, ऊपर ढक्कन लगाओ, पचे घाम आवे ना उन्हें वाफ मूल, और वो पानी रा थेम जर उन रोटी माते पड़े व रोटी ओली हुए व खावने कितनी छान लागे ना, नहीं लागे? यहां चिंतन करना, ये पारणे के दिन 15 का पारणा, 16 का पारणा, 14 का पारणा, उसमें गरम पानी में भिगोई हुई रोटी से पारणा करती है। धन्य है ऐसे तीर्थंकर, किसी की गाथा नहीं गाते बंधुओं, ऐसी महान आत्माएं होती है, महान जीवन होता है ना, तब कहीं जाकर गाथाएं गाई जाती है और इस प्रकार का आहार करती है। रत्नावली तब इस प्रकार चारों परिपाटी करके पूर्ण करती है। इसे पूरा करने में 5 वर्ष 2 महीने और 28 दिन लगते हैं। इतना होने के बाद उस काली आर्या ने विचार किया कि तपस्या हुई पर शरीर में थोड़ी ताकत है, अभी तक थोड़ा मास है, थोड़ा चल फिर सकती हूँ अच्छी तरह से, तो और छोटी बड़ी तपश्चर्याएं संपन्न करती है। जब शरीर दुर्बल बन चुका, उठने बैठने में हड्डियों की आवाज आने लगी ना, उस समय गुरुणी जी के पास पहुंची है और कहती है कि अब मेरे शरीर में जो माल था वो तो मैंने निकाल लिया है, उस माल का काम कर लिया है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं संथारा ग्रहण करूँ। और गुरुणी जी की आज्ञा लेकर संथारे की साधना में जुड़ जाती है और 1 मास की संलेखना करके सामायिक से लेकर 11 अंग तक का अध्ययन पूर्ण करके 8 वर्ष पर्यंत चारित्र पर्याय का पालन करके अंतिम समय में सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती है। इसी प्रकार सुकाली नामक रानी भी परमात्मा की देशना सुनकर दीक्षा ग्रहण करती है। दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात गुरुणी जी से आज्ञा लेती है कि मैं कनकावली नामक तप को प्रारंभ करना चाहती हूँ। रत्नावली तप में जिस जगह 3 जगह बेले आए थे वहां कनकावली तप में तेले आते हैं। कनकावली तप की एक परिपाटी पूर्ण करने में 1 वर्ष 5 महीने 12 दिन लगते हैं और इसमें 88 दिन पारने के, 1 वर्ष 2 महीने 14 दिन तपश्चर्या के होते हैं। चारों परिपाटी करने में 5 वर्ष 9 महीने और 18 दिन लग जाते हैं और ये तप पूरा कर लेती है। जैसे रत्नावली तप में पारणा पहली परिपाटी में नॉर्मल पारणा, दूसरी परिपाटी में विगयों का त्याग, तीसरी परिपाटी में वह लूखी रोटी और पानी, इस प्रकार की तप आराधना करती है। शरीर सूख कर काटा होता है और अंतिम समय में जब शरीर कृश बन गया, दुर्बल बन गया, अस्थियों का ढांचा रह गया, उस समय विचार करती है कि अब मुझे संथारा लेना चाहिए और गुरुणी जी की आज्ञा लेकर संथारा ग्रहण करती है। 9 वर्ष तक का संयम पर्याय का पालन करके तब जप की आराधना करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती है। अब वर्णन आता है महाकाली रानी का, ये भी परमात्मा के वचन को सुनकर दीक्षा ग्रहण करके चंदनवाला की शिष्या बनती है। शिष्या बनने के बाद लघु सिंह निष्क्रीडित नामक तप करती है और वह तप इस प्रकार उपवास किया, पालना करके बेला किया, पालना करके उपवास किया, फिर तेला किया, फिर बेला, चोला, तेला, पचोला, चोला, इस प्रकार चोला करती है, एक उपवास आगे बढ़ती है, पारणा करके वापिस तेला करती है, फिर 5 करती है, फिर वापिस 4 करती है, एक उपवास आगे बढ़ाती है और एक उपवास पीछे घटाती है। इस प्रकार लघु सिंह निष्क्रीडित नामक तप की एक परिपाटी पूर्ण करती है जिसमें 33 दिन पारने के पूरे 5 महीने एवं 4 दिन की तपश्चर्या होती है। चारों परिपाटी करने में 2 वर्ष और 28 दिन लगते हैं। ये लघु सिंह निष्क्रीडित तप पूर्ण होने के पश्चात अनेकों छोटी बड़ी तपश्चर्याएं करती हुई अंतिम समय में 1 मास की संलेखना करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती हैं। अब कृष्णा नाम की रानी ये भी दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात
महासिंह निष्क्रीडित तप की आराधना करती है। लघु सिंह निष्क्रीडित तप में 9 तक की तपश्चर्या थी। इस ठीक उसी प्रकार इस तप की प्रथम परिपाटी में भी उपवास किया, पालना करके बेला किया, फिर उपवास किया, तेला किया। इस प्रकार एक उपवास आगे बढ़ाना, पालना करके फिर एक उपवास पीछे करना, यानी बेला करके पालना करना, फिर उपवास करके पालना करना, तेला करके पालना करना, फिर बेला करके पालना करना, इस प्रकार करती हुई एक परिपाटी पूर्ण करती, जिसमें 61 दिन पालने के और पूरा 1 वर्ष 4 महीने 17 दिन अर्थात 497 दिन तपस्या के, इसी प्रकार दूसरी तीसरी और चौथी परिपाटी भी पूर्ण करती है। इस परिपाटी को पूर्ण करने में 6 वर्ष 2 महीने और 12 दिन लगते हैं। महासिंह निष्क्रीडित तप विधि पूर्वक संपन्न करने के पश्चात अनेकों छोटी बड़ी तपश्चर्याएं करती हुई अंतिम समय में 1 मास की संलेखना करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती है। इसी प्रकार सुकृष्णा रानी भी दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात सप्त सप्तमी का भिक्षु प्रतिमा तप स्वीकार करती है। ये तप इस प्रकार 7 दिन तक श्रावक के द्वारा दिया हुआ भोजन पानी, एक ही बार दिया हुआ भोजन और पानी ग्रहण करना, अर्थात एक वक्त में रोटी का पाव हिस्सा और एक बार की धारा में जितना पानी बहराया, धारा टूट गई तो पानी नहीं लेना, एक बार की धारा में जितना पानी दिया उतना ही रोज लेना और उतना ही आहार करना, दोबारा गोचरी लाने के लिए जाना नहीं। यह क्रम 7 दिन तक रखा, इसे सप्त सप्तमी का भिक्षु प्रतिमा कहते हैं। दूसरे सप्ताह में 2 बार दिया हुआ, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5, छठे में 6, 7वें सप्ताह में 7 बार दिया हुआ आहार और पानी ग्रहण करके अपने संयम की प्रतिपालना करती है। यह उन 50 दिन तक सप्त सप्तमी का भिक्षु प्रतिमा तप की आराधना करती है। उसके पश्चात सुकृष्णा नामक आर्या ने अष्टाष्टमी का भिक्षु प्रतिमा तप प्रारंभ करने की आज्ञा गुरुनी जी से ली है और आज्ञा मिलते ही अष्टाष्टमी का भिक्षु प्रतिमा तप भी प्रारंभ करते हैं, जिसमें पहले के सप्ताह में नित्य प्रति 1 दांत पानी की और 1 दांत भोजन की, अर्थात गृहस्थ के द्वारा दिए हुए 1 बार के आहार और पानी को ही ग्रहण करना। इसी प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें, छठे, सातवें और 8वें सप्ताह में नित्य प्रति 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बार दिया हुआ श्रावक के द्वारा बहराया हुआ आहार पानी ग्रहण करके उसी से अपने संयम की साधना में संलग्न बनना। यह संपूर्ण प्रतिमा करने में कुल 64 दिन लगे, 288 बार आहार और पानी हुआ। नवनवमी का भिक्षु प्रतिमा तप में 9 दिनों में नित्य प्रति 1 बार का दिया हुआ भोजन और पानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 में क्रमशः 9 बार दिया हुआ, 7 बार दिया हुआ, 8 बार दिया हुआ आहार ग्रहण करना है। ऐसे इस नवनवमी का भिक्षु प्रतिमा तप में पूरे 81 दिन लगे, 405 बार का दिया हुआ आहार पानी ग्रहण किया। अब 10-10वीं का भिक्षु प्रतिमा तप जैसे सुनते आए 7वें, 8वें, 9वें, वैसे ही 10 बार दिया हुआ आहार पानी ग्रहण करना। इस तपस्या को पूर्ण करने में कुल 100 दिन लगे। ये तपश्चर्या पूर्ण करने के पश्चात अनेकों छोटी बड़ी तपश्चर्याएं करती हैं। मास खमण, अर्ध मास खमण की भी तपश्चर्या करती हैं। शरीर कृश बनता है और फिर संथारा ग्रहण करने की इच्छा होती है। संथारा ग्रहण करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती है। इसी तरह महाकृष्णा रानी जिसने दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात गुरुनी जी से आज्ञा ली और लघु सर्वतोभद्र नामक तप की आराधना प्रारंभ की, जो इस प्रकार उपवास किया, पारणा करके बेला किया, फिर पारणा करके तेला किया, चोला पचोला, इस प्रकार तेला चोला पचोला उपवास ऐसे करते करते इस तप लघु सर्वतोभद्र नामक तप की एक परिपाटी पूर्ण की। इस परिपाटी को पूर्ण करने में 75 दिन की तपश्चर्या और 25 दिन के पारणे यानी 100 दिन लगते हैं। इसी प्रकार दूसरी परिपाटी भी संपन्न की, जिसमें पारणे में विगयों का त्याग, तीसरे में पारणे के दिन जैसे लुक्की रोटी और पानी इस प्रकार का आहार ग्रहण करती रही, जैसे काली महासती ने तपश्चर्या और पारणा किया था, वैसा ही ये लघु सर्वतोभद्र तप की आराधना ये महाकृष्णा आर्या करती है। 4 परिपाटी पूर्ण करने में 300 दिन तपश्चर्या के और 100 दिन पारने के होते हैं। इस तपश्चर्या को पूर्ण करने के बाद अनेकों छोटी बड़ी तपश्चर्याएं करती हैं। अंतिम समय में संथारा ग्रहण करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती हैं। अब आती है वीर कृष्णा आर्या,
ये वीर कृष्ण आर्य ने महासर्वतोभद्र नामक तक की आराधना प्रारंभ की, जिसमें सर्वप्रथम उपवास किया, फिर पालना करके बेला किया, फिर पालना करके तेला किया, ऐसे चोला पचोला, छह सात चोला पचोला, ऐसे एक एक उपवास आगे बढ़ाती हुई, एक एक उपवास पीछे करती हुई इस तप की एक परिपाटी को पूर्ण करती है, फिर दूसरी परिपाटी शुरू करती है। दूसरी परिपाटी में विगयों का त्याग, जैसे हम पहले से सुनते आए उसी प्रकार का सारा अनुकरण सारी इन महासाधुओं ने किया है। बंधुओं, ऐसे इस तप की एक परिपाटी पूरी करने में 196 दिन 196 दिन लगते हैं और पारने के दिन 49 होते हैं। कुल 245 दिन एक परिपाटी करने में लगते हैं। चारों परिपाटी पूर्ण करने में 2 वर्ष 8 मास और 20 दिन लगते हैं। महासर्वतोभद्र इतना कठिन तप करने के पश्चात अंतिम समय में संथारा ग्रहण करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती है। अब आती है रामकृष्णा देवी। इस रामकृष्णा रामकृष्ण आर्या, इसने भी तप प्रारंभ किया है। भद्रोत्तर नामक तप की आराधना शुरू की, जिसमें सर्वप्रथम 5 उपवास किए, फिर पालना करके 6 किए, फिर पालना करके 7 किए, ऐसे 8, 9, 7, 8, 9 इस प्रकार आगे बढ़ती हुई पीछे करती हुई एक परिपाटी पूर्ण करती है। और दूसरी परिपाटी में विगयों का त्याग, तीसरी में वह लुखा आहार और पानी, इस चौथी परिपाटी में पुनः आयम्बिल किए, ऐसी एक परिपाटी पूर्ण करने में 175 दिन तपश्चर्या के और केवल 25 दिन पारने के होते हैं। ऐसे चारों परिपाटी पूर्ण करने में 2 वर्ष 2 मास और 20 दिन लगते हैं। रामकृष्ण आर्या ने भद्रोत्तर नामक तप करने के पश्चात अनेकों छोटी बड़ी तपश्चर्याएं संपन्न की, अंतिम समय में संथारे की साधना करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती हैं। अब आती है पितृसेन कृष्णा आर्या, जिसने मुक्तावली नामक तप की आराधना की, जिसमें उपवास किया, पालना करके बेला किया, फिर पालना करके उपवास किया, फिर तेला किया, ऐसे एक एक उपवास बीच में करती हुई 16 उपवास तक पहुंचती है, ऐसे एक परिपाटी पूर्ण करती है। काली आर्या की तरह चारों परिपाटियां पूर्ण करती, एक परिपाटी पूर्ण करने में 59 दिन पारने के और शेष दिन तपश्चर्या के होते हैं। चारों परिपाटी पूर्ण करने में 3 वर्ष 10 महीने होते हैं। ये महासेन कृष्ण आर्य, इस आर्या ने, पितृसेन कृष्ण आर्या ने इस तप की आराधना करने के पश्चात अंतिम समय में संथारे की साधना की है और संथारे की साधना करने के पश्चात अपने अष्ट कर्मों को नष्ट करके मोक्ष पहुंच जाती है। अब आती है महासेन कृष्ण आर्या, जिसने आयम्बिल वर्धमान नामक तप की आराधना प्रारंभ की, जो अभी भी इस पंचम आर्य में भी वर्तमान में भी बहुत सारी बहने संपन्न करती है। कईयों ने उसके पाए भी डाले हुए हैं। एक आयम्बिल करना, उपवास करना, पारणा करना, फिर आयम्बिल का बेला करना, उपवास करना, फिर पारणा करना, फिर आयम्बिल का तेला करना, उपवास करना और पारणा करना, इस प्रकार 100 आयम्बिल तक पहुंचना। कितने आयम्बिल? अपना ने एक आयम्बिल पन नहीं, पर ये सती बंधुओं, ये साध्वी जी, ये आर्या जी इस तप को करते हैं और घोड़ नदी में तो 125 से ऊपर बहने आयम्बिल वर्धमान तप करती है, 125 से ऊपर। और उसमें जो बर्मेचा है, हमारे मोतीलाल जी बर्मेचा की जो पत्नी है ना, उसकी 90 ओलियां पूर्ण हो चुकी है। 90 हमारे चतुर्मास में 80वीं ओली उनकी चल रही थी, 90 ओलियां पूर्ण हो चुकी है। शरीर देखो तो बिल्कुल ऐसा हो चुका है। और उन्हें समझाया ना तो बोले नहीं, आयम्बिल के सिवा तो और कुछ खाना नहीं। नगर में भी एक लोढ़ा की जो बहुरानी है, उसकी भी 75 के करीब ओलियां हो चुकी हैं। कई साधु साध्वी भी करते हैं, कई श्रावक श्राविकाएं भी करते हैं। जो करते हैं उन्हें बहुत बहुत अंतर से धन्यवाद है, अभिनंदन है कि इस तप की, हाँ एकदम ठीक हो,
तप की आराधना करती है, तो ये अयंबिल वर्धमान तप की आराधना महासेन कृष्णा आर्या ने संपन्न की है। और तप की आराधना करने में पूरे 14 वर्ष 3 महीने और 20 दिन लगते हैं। 14 वर्ष 3 महीने और 20 दिन लगते हैं विधि के अनुसार सारा तप पूर्ण करने के पश्चात। अब इतने अयंबिल करने के पश्चात शरीर तो सुख कर काटा ही हो जाएगा। गुरुनी जी के पास पहुंचती हैं, संथारे की आज्ञा लेती हैं और संथारा ग्रहण करके अंतिम समय में सारे कर्मों को नष्ट करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती हैं। काली आर्या ने 8 वर्ष पर्यंत चारित्र पर्याय का पालन किया, सुकाली ने 9 वर्ष तक, महासेन कृष्णा ने 17 वर्ष तक, और महासेन कृष्णा ने 17 वर्षों पर्यंत चारित्र पर्याय का पालन किया। ये राजा श्रेणी की रानियां और कोणिक की छोटी माताएं थी। इस प्रकार धर्म को प्रकट करने वाले श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी मोक्ष में पधारे हैं। उन्होंने अंतगढ़ दशांक सूत्र में जो भाव फरमाए थे वे सुधर्मा स्वामी के माध्यम से जम्बू स्वामी के श्रवण करने के कारण हमारे पास पहुंचे हैं। तो सुधर्मा स्वामी का और जम्बू स्वामी का हमारे ऊपर बहुत बहुत उपकार है और उन्हीं के कारण इन शब्दों को हम पढ़ सकते, सुन सकते, देख सकते हैं। इस अंतगढ़ में एक श्रुत स्कंद 8 वर्ग है जिन्हें भगवान ने 8 दिन में फरमाया है। ध्यान रखो, जिन्हें भगवान ने 8 दिन में फरमाया। प्रथम दूसरे वर्ग में 10-10 अध्ययन, तीसरे में 13, चौथे पांचवे में 10-10, छठे वर्ग में 16 अध्ययन, सातवें वर्ग में 13 और आठवें वर्ग में 10 अध्ययन है। इस प्रकार अंतगढ़ दशांग सूत्र की आराधना साधना पारायण पूरा हो चुका है। मुझे